यस फ्रेंड्स, तो अब हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ये कॉन्सेप्ट है एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट। एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट में ही एक पार्ट आता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप समझ लीजिए, अगर आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर रहे हैं, उसके बाद जो थर्ड नंबर पे अगर मैं कहूंगा तो वो उस रेंज में ये टॉपिक आता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इसलिए इसको आप जरा बहुत ज्यादा प्रैक्टिस से करें, वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन करें, ठीक है? चलिए, पहले थोड़ा मैं आपको बताऊंगा थ्योरी, कॉन्सेप्चुअल थ्योरी। इसके बाद मैं आपको इसकी थ्योरी बताऊंगा बुक की। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि क्या होती है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। देखिए, अभी हम लोग जो कॉस्टिंग करते हैं जो फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब करते हैं वो किसके बेसिस पर करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ, या तो हम नंबर ऑफ यूनिट के बेसिस पर करते हैं या हम करते हैं नंबर ऑफ लेबर आवर के बेसिस पर या करते हैं नंबर ऑफ मशीन आवर के बेसिस पर, ऐसे करते हैं। अब आप खुद सोचिए, फिक्स्ड ओवरहेड है तो स्टोर का, जो फिक्स्ड ओवरहेड है, जैसे सपोज करिए स्टोर का है, स्टोर से रिलेटेड है, स्टोर कीपर की सैलरी है, स्टोर का गोडाउन है, और उसको हम बांट रहे हैं किसके हिसाब से? लेबर के हिसाब से। तो ये लॉजिकल है? नहीं है। लेकिन चूंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम लोग लेते हैं कि सारे फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड सपोज करो एक है मार्केटिंग की फिक्स्ड कॉस्ट है, तो उसको हम बांट रहे हैं किसके हिसाब से? लेबर आवर के हिसाब से, मशीन आवर के हिसाब से। लेबर आवर के हिसाब से भाई लेबर के फिक्स्ड ओवरहेड बांटने चाहिए ना, मशीन आवर, मशीन मार्केटिंग के तो नहीं, ठीक है ना? तो अब आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ करता हूं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या है ना क्या चाहता हूं। लिखे, यस लिखे नहीं, मैं लिख रहा हूं, आप समझे। से इन मार्जिनल कॉस्टिंग फिक्स्ड ओवरहेड आर इनकर्ड और डिडक्टेड फ्रॉम टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन, दैट इज इंडिविजुअल प्रोडक्ट वाइज टोटल कॉस्ट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। बात मेरी समझे कि नहीं? अगर मैं कहता हूं कि मेरे चार प्रोडक्ट हैं ए बी सी डी, तो आप क्या कहोगे? सर सर इनकी सेल ये ले लो, वेरिएबल कॉस्ट ये ले लो, सर ये कंट्रीब्यूशन आ गया, सर टोटल कंट्रीब्यूशन सर ये आ गया, इसमें से क्या करो? फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो, ये नेट प्रॉफिट आ गया। अब मैं कहता हूं ए की टोटल कॉस्ट कितनी थी, ए का नेट प्रॉफिट कितना था, पता चल सकता है? नहीं पता चल सकता। क्यों? ये इसकी लिमिटेशन है, ठीक है? सो इन मार्जिनल कॉस्टिंग सेपरेट
कॉस्ट शीट ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे? अब हम आते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पर। इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फिक्स्ड ओवरहेड अ पर्सन और एलोकेटेड टू प्रोडक्ट ऑन सम बेसिस, जैसे ए बी सी डी है, तो हम कहते हैं सेल कितनी है, सेल ये है, इसमें से हम वेरिएबल कॉस्ट लिख देते हैं और फिर हम इसमें से फिक्स्ड ओवरहेड भी लिखते हैं। ये क्या है? रिकवरी रेट पर के बेसिस पर हम लोग बांट देते हैं, तो ये हमारी टोटल कॉस्ट आ जाती है। और टोटल कॉस्ट में से ये ए है, ये बी है, तो हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं ए माइनस बी। ऐसे ही निकालते हैं कि नहीं? मैं कुछ गलत तो नहीं पढ़ा रहा हूं? चलिए, अब आप सुनिए। इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फिक्स्ड ओवरहेड, एक मिनट के लिए करिए,